मैं साधना, वेलकम टू यम्मी पकाओ यम्मी खाओ। आज मैं मिल्कमेड बनाऊंगी। मिल्कमेड केक बनाने में यूज किया जाता है, मफिन बनाने में यूज किया जाता है। तो चलिए मिल्कमेड बनाना स्टार्ट करते हैं। मिल्कमेड बनाना स्टार्ट करती हूँ। मिल्कमेड बनाने के लिए 1/2 लीटर दूध चाहिए हमें, और चीनी यूज करूंगी मैं, और बेकिंग सोडा। ये मिल्कमेड जब भी हम बेकरी का कोई भी आइटम बनाते हैं उसमें यूज किया जाता है, और ये घर पे बहुत ही इजीली तरीके से बन जाता है, आसानी से बन जाता है। इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़े से आइटम में ही हमारा मिल्कमेड रेडी हो जाता है। एक पैन में दूध निकाल लेंगे पूरा 1/2 लीटर। गैस ऑन करके इस पे हम रखते हैं। इस दूध को हमें अच्छे से उबालना है कि अच्छे से उबलते हुए ठीक हो जाए। दूध हमारा उबल रहा है, इसको बिल्कुल अच्छे से उबालेंगे। ये बहुत अच्छी मिल्कमेड घर पे तैयार हो जाती है, मार्केट जैसी तैयार होती है बिल्कुल, और घर पे बनाना बहुत ही इजी है। अब इसमें मैं अब चीनी ऐड करूंगी। 5 टेबल स्पून चीनी मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। अब इसको हम अच्छे से चलाते रहेंगे, चीनी अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी पहले ही डाल देते हैं, एक उबाल आने के बाद चीनी इसमें ऐड कर देते हैं, बाद में चीनी नहीं डालते, ये तो ये हमारा पतला सा लगने लगता है। अभी चीनी डालेंगे तो ये अच्छे से इसमें मिलेगा, मिक्स हो जाएगा, और बहुत ही अच्छी हमारी मिल्कमेड घर पे रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से दूध उबल रहा है। हम साइड से इसको निकालते जाएंगे दूध को। इसका फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे हम इसको उबालेंगे। बड़ा अब गाढ़ा हो रहा है, बहुत ही गाढ़ा हो गया है दूध हमारा, आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं बेकिंग सोडा ऐड करूंगी। बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद इसे हमें ज़्यादा उबालना नहीं है, बस बेकिंग सोडा डालने के 1-2 मिनट बाद ही हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब इसमें और उबाल आ जाए अच्छे से। मिल्कमेड बनाना बहुत इजी है, बहुत टेस्टी भी बनता है। इससे हमारा केक बहुत टेस्टी बनता है, केक बना सकते हैं, मफिन बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा बहुत गाढ़ा हो रहा है, बिल्कुल लो कर देंगे, और इसमें बेकिंग सोडा 1 पिंच से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करना है। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से फूल गया है। बेकिंग सोडा हम बेकरी में यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को ये अच्छे से स्मूथली फुला देता है, सॉफ्ट कर देता है। आप देख सकते हैं हमारा ये मिल्कमेड रेडी है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हुआ है, बेकिंग सोडा डालते ही ये कितनी अच्छी तरह फूल गया है। आप देख सकते हैं मिल्कमेड रेडी हो गया है हमारा। ये जितना ठंडा होगा उतना और ज़्यादा थिक होगा, ठंडा होने से और ज़्यादा इसका थिकनेस बढ़ते जाएगा। इसको हम ठंडा करेंगे, अभी बिल्कुल ठंडा हो जाए, और बीच बीच में इसको ऐसे चलाते रहेंगे। हमारा मिल्कमेड बिल्कुल ठंडा हो गया है, और ठंडा होने के बाद ये बहुत ही थिक हो गया है। इसको हम इस कटोरी में निकालेंगे। आप देख सकते हैं मिल्कमेड हमारा रेडी हो गया। अब हमारे आप भी ट्राई कीजिए,
घर पे बनाइए और कमेंट्स के द्वारा हमें बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा मिल्क मेड। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।